तो हाय गाइस, कैसे हो? हैक्सअप वीडियो के थ्रू फली गाइस आ चुके हैं खिलाड़ी भैया यानी कि अक्षय कुमार के भाई सरफिरा के कौन एपिसोड में वापस। तो भाई क्या चल रहा है? देखो नो, अभी एडवांस बुकिंग की बात करें तो नियरली भाई 50 लाख के आसपास है, लगभग 25,000 भाई टिकटें वो सॉल्ड आउट हो चुकी है। इससे ये पता चलता है कि भाई मेकर्स ने प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं रखा है, काफ़ी नॉर्मल प्राइस है। मतलब इससे थोड़ा और बेटर हो सकता था, वो 250-260 के आसपास एवरेज प्राइस अब वो रख सकते थे, जो कि भाई उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। एंड देखा जाए तो एडवांस तो हम सभी को पता ही है भाई, काफ़ी ज़्यादा लो चल रही है। इवन सेल्फी से भाई कहना होगा कि मामला अभी डाउन ही चल रहा है। एंड आज जो 2 दिन हो गए एडवांस ओपन हुए, बुक माई शो ट्रेंड तक भाई नहीं दिखा रहा था, मतलब कि 5,000 से ज़्यादा टिकटें नहीं हमें सोल्ड आउट देखने को मिल रही थी लास्ट 24 आवर्स में। तो फाइनली अभी शाम को भाई ट्रेंड है वो दिखाने लगा है, मतलब कि अभी अच्छे खासे थोड़े से भाई टिकटें हैं वो बिकी हैं बुक माई शो में भी। तो 50 लाख एडवांस तो कितना जा सकता है भाई फाइनल? ज़्यादा भाई 70 लाख, इससे ज़्यादा तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, जो कि शायद मैंने भी ये नंबर ज़्यादा ही बता दिया। बिग ऑफ ब्लॉक सीट्स एंड लगभग 2500 स्क्रीन में ऑलमोस्ट भाई सरफिरा को रिलीज़ किया जा रहा है। भाई मुझे जो हाइप दिख रही है आई थिंक सो ये 2500 भी ज़्यादा है, बट देखा जाए। देखो अक्षय कुमार है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा ये तो बात की बात है, बट स्टार तो काफ़ी बड़े हैं, तो 2500 स्क्रीन्स मिलना तो इम्पॉर्टेंट था उनके लिए, जो कि इस मिल भी रही है। एंड डे नंबर 1 में ओपनिंग कितनी आ सकती है भाई? अभी जो मेरे को सिचुएशन दिख रही है भाई, 2.5 से लेकर 3 करोड़ के आसपास जो मिशन रानीगंज की थी, जो सेल्फी की थी भाई, सेम ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को सरफिरा की भी दिख रही है। एंड 2.5-3 वर्ड ऑफ माउथ अच्छा भी रहा, तो रिव्यूज़ तो हमें सभी को पता ही है भाई, अच्छे निकल के सामने आएंगे। अभी जो चल रहा है, मैंने मैक्सिमम गाइस जो रिव्यू देखे हैं, एज अ मीडिया ले लो आप, जिस जिसने भाई ये पिक्चर देखी है, तो भाई मैक्सिमम सभी का यही कहना है कि यार मास्टरपीस, इस टाइप के पिक्चर हमने यार बॉलीवुड में काफ़ी कम ही हमें देखने को मिलती हैं। तो रिव्यूज़ भाई कहना होगा कि अच्छे निकल के सामने आ रहे हैं, बट देखो पिक्चर चलना फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। क्यों? बिकॉज ऑफ रीमेक फैक्टर है भाई, तो मैक्सिमम सभी ने भाई पिक्चर देखी है, तो यार जिन्होंने देखी होगी तो भाई वो अगेन फिर से थिएटर में भाई 200-250 रुपया देखिए यार कौन जाएगा, तो ये मुश्किल है थोड़ा चलना, तो नेचुरल ऑडियंस बट कितनी ज़्यादा है अभी ये देखना दिलचस्प होगा। तो वीकेंड में हम यही उम्मीद करते हैं कि इस 12 करोड़ से ज़्यादा भाई एटलीस्ट 12 करोड़ प्लस नेट बिजनेस है वो करके दिखाए। एंड अभी ये अक्षय कुमार का कमबैक नहीं हो पाएगा भाई इस पिक्चर से, कमबैक के लिए हमें गाइस अच्छा खासा इंतज़ार है वो करना पड़ेगा। एंड मैं दूसरी तरफ देखूँ गाइस यहाँ पे इंडियन 2 की गाइस मूवी अच्छा खासा एडवांस लेके भाई मैदान पे उतरती हुई दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 12 करोड़ 60 लाख से भाई ज़्यादा एडवांस हो चुका है, 12.60 करोड़। एंड हिंदी की बात करें, इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट्स, विदाउट ब्लॉक सीट्स नंबर नहीं है, इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट्स लगभग 80 लाख के आसपास नियरली कुछ एडवांस था, तो हिंदी में भी एडवांस भाई स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट। और दोनों के बीच में भाई इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा, हिंदी की बात कर रहे हैं। एंड नॉर्थ इंडिया में भी ऑलमोस्ट इंडियन 2 को 2000 स्क्रीन्स में रिलीज़ किया जा सकता है, एंड ऐसी कुछ भाई प्लानिंग है वो की जा रही है, 2000 स्क्रीन्स इंडियन 2 को, 2500 के आसपास यहाँ पे सरफिरा को। इसका मतलब काफ़ी सारे शोज़ हैं वो कल्कि के ड्रॉप होने वाले हैं थर्ड ऑफ वीकेंड में। चलो देखते हैं, सुबह मिलेंगे गाइस फाइनल एडवांस मूवी के साथ, बोथ मूवी का एंड साथ में कल्कि का भी देखेंगे भाई कितने शोज हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं और क्या वीकेंड में बिजनेस है वो कर सकती है, एंड ये दोनों बोथ मूवी भी कर सकती हैं। एंड अभी के टाइम देखा जाए सरफिरा के रिव्यूज जैसे मैंने उसको बताया काफ़ी भाई अच्छे निकल के सामने आ रहे हैं, तो उम्मीद भी करते हैं कि नंबर्स भाई काफ़ी अच्छा हमें निकल के सामने आएगा। भाई कल चैनल को सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।